ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कलेक्टर और एसपी ने टिप्स दिए। जी हां, ये खबर छतरपुर जिले से सामने आई है। छतरपुर के घ्वारा क्षेत्र में स्थानीय देवी जी मंदिर प्रांगण में भगवा के लक्ष्य कोचिंग अकादमी संचालक खलक सिंह लोधी के द्वारा स्वामी ब्रह्मानंद बौद्धिक करियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के साथ साथ क्षेत्रीय विधायक प्रद्युम्न सिंह भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के सचिव एनबीएस राजपूत मौजूद रहे। इस आयोजन के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न विद्यार्थियों को कलेक्टर और एसपी ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह आगे बढ़ें इस संबंध में आवश्यक टिप्स दिए। सुनिए कलेक्टर और एसपी ने इस मौके पर विद्यार्थियों से क्या कहा। सिविल सर्विसेज एग्जाम से होता है, उसमें पहले प्रीलिम्स होता है, फिर एक मेंस एग्जाम करके होता है, फिर एक इंटरव्यू होता है, फिर अंत में सिलेक्शन होता है, जो फिर रैंक जैसे भी आए फिर अपने को जैसे रैंक मिले उस हिसाब से हमें विभिन्न तरीके से या IAS या IPS या फॉरेन सर्विस या रेवेन्यू सर्विस विभिन्न तरीके के सर्विस अलॉट होते हैं। कहीं ना कहीं नवी से लेकर बारहवीं तक की जो एनसीईआरटी बुक्स है उन्हीं पे केंद्रित होता है, फिर वो चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे सोशियोलॉजी हो। तो वापस से हमें जो भी हम कर रहे हैं, हर दिन जो हम कर रहे हैं, अच्छे से करने की जरूरत है। तो ट्वेल्थ में हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम पहली आदत डालें न्यूज़पेपर्स को पढ़ने की, अखबारों को। अखबार हमें देश के भी पढ़ने हैं, दुनिया के भी पढ़ने हैं। हमें सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहना है कि बड़ा मिल रहा है छतरपुर में क्या हो रहा है। हमें ये समझ में आना चाहिए यूक्रेन में जो त्रासदी है उसके पीछे क्या है, अमेरिका में जो विवाद चल रहा है उसके पीछे क्या है, अगर तापमान विश्व स्तर पर बढ़ रहा है तो उसमें हमें क्या करना है, और इसको लेके हमें चिंतन भी करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। उक्त आयोजन में क्षेत्रीय विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी का योगदान रहा। पिछले वर्ष भी इस तरह का एक आयोजन यहाँ किया गया था। इस बारे में विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने मीडिया को जानकारी दी। लक्ष्य एकेडमी के संचालक हमारे अनुज श्री खलक सिंह जी के द्वारा हर वर्ष ये मोटिवेशन का कार्य किया जाता है बच्चों के लिए, और आज भी वो कार्यक्रम किया गया है। मैं अपनी ओर से और मेरी अपनी टीम की ओर से मैं आयोजक और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ, और भविष्य में बच्चों के लिए जो आज हमने देखे एक अच्छे क्वेश्चन में किए बच्चों ने और आगे हमारे क्षेत्र के बच्चे बढ़े, उसके लिए और भी जो निचले स्तर पर प्रयास हमारे द्वारा किए जाना चाहिए वो हम करेंगे, और गार्जियंस को और जनता को भी इस प्रकार के प्रयास किए जाने करने होंगे कि हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ें।